सो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम बात करेंगे आईफोन 14 के ऊपर। मतलब कि मैंने कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ सुनी है कि आईफोन 14 आ रहा है, तो लगभग उसे अभी महीने लगेंगे, कोई भी 4 से 5 महीने, जिसके बाद वो लॉन्च किया जाएगा। तो लेकिन उसकी लीक्स काफ़ी ज़्यादा सामने आ गए हैं, तो आज हम बात करेंगे कि उसमें चेंजेस क्या क्या हुई है। क्या वो आईफोन 13 प्रो मैक्स या उस जैसा ही कुछ चिपसेट मिलेगा हमें देखने को, या शेप वगैरह में क्या चेंजेस हुई है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइज़, अगर सबसे पहले बात की जाए शेप की, तो शेप अगर बात की जाए तो काफ़ी लोगों को ये इशू आ रहा था कि इसके साइड पे बेजल्स हैं या नॉच दी गई है, तो उस वजह से मतलब थोड़ा किसी को नहीं पसंद भी होता। तो उस तरह मतलब आप बेजल्स को और कम कर दिया गया है और नॉच को भी फिक्स कर दिया गया, मतलब नॉच बहुत ही छोटी सिर्फ कैमरा पे आ गई है। तो कुछ ऐसा ही लीक्स में दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। क्या पता कुछ और भी चेंजिंग की जाएँ, तो क्योंकि अभी टाइम काफ़ी पड़ा है, तो उसमें चेंजेस तो की जा सकती हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके चिपसेट की, तो चिपसेट अगर अब बात की जाए तो लीक्स में तो यही बताया जा रहा है कि इसमें अभी पिछले साल वाला जो आईफोन 13 प्रो मैक्स में चिपसेट यूज़ किया गया है A15 बायोनिक, तो वही इसमें भी यूज़ किया जाएगा, जो कि मेरे लिहाज से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो इसमें अगर A16 यूज़ किया जाता तो ज़्यादा बेटर होता, तो अच्छी मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती। तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ सच होगी, अगर सच हुई तो काफ़ी लोगों का दिल टूटने वाला है। तो अगर बात की जाए, मुझे लग रहा था, अगर मेरी बात की जाए तो मुझे लग रहा था कि M1 चिप यूज़ की जाएगी इसमें या A16 की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, A15 की बात हो रही है, तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी बैटरी की, तो बैटरी लगभग सेम ही रहेगी, 4500 से 4500 mAh। और इसी के साथ अगर बात की जाए कैमरा की, तो कैमरा जब तक देखा जाए अभी जितने भी आईफोन हैं 12 मेगापिक्सल है, लेकिन उसी में उनको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा रिज़ल्ट दे दिया जाता है 12 मेगापिक्सल में भी। तो लेकिन अब उन्होंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, तो लीक्स में यह बताया जा रहा है कि आईफोन 14 या 14 प्रो मैक्स या न्यू जितने भी आने वाले आईफोन्स हैं, जो बड़े हैं, आईफोन मिनी की नहीं बात कर रहा, न्यू जितने बड़े आने वाले आईफोन हैं, उनमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है कैमरा यूज़र्स के लिए, तो जो कि एप्पल के कैमरा लवर्स हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी लीक्स में बताया जा रहा है कि जितने भी पुराने आईफोन्स थे उनका मिनी सीरीज़ चलती आ रही थी, मतलब अभी आईफोन 12 आया है, लेकिन आईफोन 12 का तो मिनी बहुत ही बकवास था, ये काफ़ी लोगों ने इस बारे में बात की है। आईफोन 12 का तो जो मिनी था उसमें ना ही कैमरा इन्होंने अच्छा रखा और ना ही बैटरी लाइफ, हाँ चिपसेट वो लगा दिया तो क्या सब कुछ बेटर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो लेकिन आईफोन 13 प्रो का जो मिनी था या जो भी था, तो उसमें इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की कैमरा में भी और बैटरी में भी। तो इसी के साथ अभी न्यूज़ आ रही है कि आईफोन 14 के 4 वेरियंट आएंगे, जिसमें हमें आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स देखने को मिलेगा, जिसमें हमें इसकी कोई भी मिनी सीरीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो शायद वो इसी वजह से कि उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है मिनी सीरीज़ की, तो काफ़ी कम यूज़र्स हैं मिनी सीरीज़ के, तो इस वजह से उन्होंने शायद अब मिनी सीरीज़ लॉन्च करना कैंसिल कर दी है, ज़्यादा मिनी सीरीज़ लॉन्च नहीं की जाएगी। तो देखते हैं कि क्या लीक्स ये सच होती हैं, मुझे तो नहीं लगता है, A16 का दुख रहेगा यार।